ये आज आपके चैनल से मैं दावे के साथ करता हूँ कम से कम 50,000 से हम लोग लीड करेंगे और झारखंड में एक नया तस्वीर बनाएंगे और NDA की सरकार बनेगी, उसमें हेमंत सोरेन जी सरकार बनेंगे। हेमंत सोरेन ही NDA की कि इंडिया की? इंडिया की, इंडिया की, इंडिया की, इंडिया नहीं भाई। घुसपैठियों, आखिर घुसपैठियों कौन है? अरे घुसपैठी तो BJP में है। आज पूरा देश से पूरे भाजपा के जितने मुख्यमंत्री आज यहाँ पे प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं गृह मंत्री से लेके सारे लोग झारखंड में ही क्यों लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं चले जाते महाराष्ट्र? माननीय श्री राजेश कच्छप को 50,000 वोट से जिताने का काम करेंगे और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये कांग्रेस की भीड़ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर लगे हुए हैं और सर भी जो है हम आपको बता दें कि सर है रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार रह चुके हैं। सर प्रणाम, पहले प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर अमर कुमार चौधरी है और मैं अभी कांग्रेस के प्रचार में लगा हुआ हूँ पूरा क्षेत्र में। अच्छा, और अभी जो स्थिति है, आप कुछ प्रश्न करेंगे तो मैं जवाब दूंगा कि मैं बात करूँ। सर आप तो एक बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक शिक्षक हैं, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से आप किस तरह से जुड़ गए? देखिए कांग्रेस BJP जो है एक संगठन की पार्टी है और कांग्रेस जो एक समाज की पार्टी है, वहाँ पे दलित, आदिवासी, मुस्लिम और सभी जाति के लोग, पूरा समाज के लोग उसमें रहते हैं, किसी एक वर्ग के लोग नहीं रहते। और जो देश में चल रहा है आज, झारखंड जैसा प्रदेश जहाँ पे 40% मिनरल्स पाए जाते हैं फिर भी आज 40% लोग भूखा सोते हैं, इसका क्या वजह है? इस वजह को दूर नहीं करने के बजाय आज पूरा देश से पूरे भाजपा के जितने मुख्यमंत्री आज यहाँ पे प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं गृह मंत्री से लेके सारे लोग झारखंड में ही क्यों लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं चले जाते हैं महाराष्ट्र? तो बोल रहे घुसपैठियों को बाहर खदेड़ेंगे, माने यहाँ का लोग बेवकूफ है? आप बताइए यहाँ घुसपैठिए से कहाँ से आ गए भाई? ये भारत का कौन सा सीमा में ये झारखंड का सीमा लगता है बता दीजिए? और वो सीमा को देखने का काम किसको है, राज्य सरकार को है कि केंद्र सरकार को है? ये सारा का सारा केवल और केवल झारखंड का जो समाज है, जो बरसों से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी कोई मिलके रहते हैं, ईसाई सारे, आदिवासी, कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पे। एक आदिवासी एक महतो में सहिया होता है, एक अंसारी और एक कुम्हार का लड़का से सहिया होता है, सबका कहीं ना कहीं मामा फूफा चाचा है। और इस पूरे राज्य में एक ऐसा माहौल जो एक सामाजिक परिदर्श है, इसको इन लोग तोड़ना चाहता है किसी जाति और धर्म से। ऐसे देश नहीं चलता, राज्य ऐसे नहीं चलता। और मैं बता दूँ जिस तरह का आज आप भीड़ देख रहे होंगे, मेरे पास हजारों की संख्या में अभी मोटरसाइकिल जा रही है और मांझी के मीटिंग में, ये बताता है, इन लोग कहता है भैया कि मैया योजना क्या है, इसमें क्या रखा है? अरे उस औरत से पूछो जो महीना भर थाली धोती है और उसको 2,000-2,500 रुपया मिलता है, आज उसकी बेटी अगर मैट्रिक पास कर गई है, दो बेटी, और दोनों बेटी को 2,500-2,500 रुपया मिलेगा, उसको 2,500 रुपया मिलेगा, उसके माँ पिताजी को पेंशन मिलेगा और उसको स्वास्थ्य योजना मिलेगा, तो किसी घर में हाथ पैर सराने नहीं जाएगी। और अगर सर्वांगीण विकास करना है पूरे राज्य का, तो जब तक यहाँ का शिक्षा पद्धति और शिक्षा को ठीक नहीं किया जाएगा, यहाँ के लड़कियाँ और बच्चे अगर स्कूल नहीं जाने लगेंगे, अच्छा स्कूल नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो सोच है उस सोच के साथ मैं आया हूं। और मैं बता दे रहा हूं कि आज जो ये आप देख रहे हैं खिचड़ी, ये आज आपके चैनल से मैं दावे के साथ करता हूं कम से कम 50,000 से हम लोग लीड करेंगे और झारखंड में एक नया तस्वीर बनाएंगे। देखिए शिक्षक हैं और शिक्षकों की राय जो होती है बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को भी ये कह रहे, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हम 30 वर्षों से ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हैं। आज हम लोग कितने सांसद और विधायक को जिता के भेजे हैं, राजेश कच्छप को पिछले बार जिताए, लेकिन हमारे सर जो बोले अभी उस तरह से 50,000 के वोटों से जीता के अगर भेजेंगे और NDA की सरकार बनेगी, उसमें हेमंत सोरेन जी सरकार बनेंगे। हेमंत सोरेन ही NDA की कि इंडिया की? इंडिया की, इंडिया की, इंडिया की, इंडिया नहीं भाई। हाँ, और आप क्या कहना चाहेंगे भैया? आप क्या कहना चाहेंगे बोलिए भैया, क्या आपका क्वेश्चन है? हमारा ये क्वेश्चन है कि ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की क्या लहर है? देखिए हमारे खिजरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की एक अच्छी स्थिति में है, और जहाँ तक हमारा विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से हमारा विधानसभा में गरीब गुरुओं और असहाय लोगों का
वास होता है, बहुत कम वर्ग जो है जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में हमारे कांग्रेस पार्टी सभी जाति सौ जाति बंधु और दूसरे जाति बंधुओं को लेकर चल रहे हैं, और ये आने वाला दिन में एक से एक झारखंड सरकार जो योजनाएँ हैं, हेमंत सरकार जो योजनाएँ हैं, हमारे खिजरी विधानसभा के जो विधायक हैं श्री राजेश कच्छप जी, उन्होंने सारे योजनाओं को हमारे खिजरी विधानसभा में लाने का प्रयास किए हैं। इस प्रयास से हमारे क्षेत्र की जनता राजेश कच्छप जी के प्रति समर्पित है, और आने वाला दिन में जो 20 तारीख का जो वोट होने वाली है क्रमांक संख्या 2 में, सभी जातीय के लोग और समूह के लोग पंजा छाप में वोट दिला के जिताने का काम करने जा रही है, यही मेरा कहना है बस। देखिए अच्छा एक बात बताइए, भाजपा जो है ये बात लगातार कह रही है कि झारखंड में घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, क्या कहेंगे? ये तो बड़ा हंसीजनक बात है, ठीक है। घुसपैठियों, आखिर घुसपैठियों कौन है? अरे घुसपैठी तो बीजेपी में है, जो हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग घुसपैठी कर रहे हैं यहाँ पे, आपका शिवराज चौहान जैसे लोग घुसपैठी कर रहे हैं, वो आज हमको बताने कर रहा है कि घुसपैठी कौन है, ठीक है। आज अगर घुसपैठी होती तो देख लीजिए, यहाँ से जो हमारे सब निष्पाप भावना से हमारे जितना भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, आज उनको गठबंधन की सरकार पे पूरी के पूरी भरोसा है। अगर आज हमारी विकास होगी तो गठबंधन की सरकार के माध्यम से विकास होगी, अन्यथा अगर जब जब बीजेपी की सरकार आई है जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई गया है, लेकिन आज हमारी गठबंधन की सरकार केवल बात की बात करती है, यहाँ की रोजगार कर, शिक्षा कर, स्वास्थ्य कर बात करती है, और जिससे लोग यहाँ के जितना जनता प्रभावित है, और अभी हम लोग यहाँ के माननीय श्री राजेश कच्छप को 50,000 वोट से जिताने का काम करेंगे और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की जो है यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और उनसे हमने बात किया, तो ये साफ पता चलता है कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती और तेज़ी से उभर रहा है, और कहीं ना कहीं अपना दमखम लगा दिया है अपने पार्टी के जो प्रत्याशी है राजेश कच्छप, राजेश कच्छप के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बात यहाँ से कही है। तो जीएन भारत के लिए मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।